अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारा आज कवर्ड है कोलिशन। इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? को अ ली शन, कोलिशन। को के बाद आपने ए को हल्का सा टच करना है, कोलिशन। ठीक होगा जी। एक नाउन है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसका मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इसका मीनिंग है जी, द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यूजली फॉर अ लिमिटेड टाइम। और उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? इतिहाद। ये किस इतिहाद की बात की जा रही है? जब कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स आपस में किसी ख़ास मकसद के लिए और एक ख़ास टाइम के लिए इतिहाद करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलिशन। अब लेफ्ट साइड पे आपके सामने इसके सिनोनिम्स आ गए होंगे, जो कि इसके करीब तरीन मानी रखने वाले अल्फाज हैं, जो कि हैं अलायंस, यूनियन, पार्टनरशिप। और राइट साइड पे इसके एंटोनिम्स आ गए होंगे, जो कि इससे इसके ऑपोजिट मानी रखने वाले अल्फाज हैं, जो कि हैं नॉन अलाइनमेंट और डिसयूनियन। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि इसका मीनिंग थोड़ा और क्लियर हो जाए। एग्जांपल नंबर वन, अ फ्यू पॉलिटिशियंस हैव फॉर्म्ड अ कोलिशन, कि कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने एक इतिहाद कायम किया है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उन्होंने कोलिशन फॉर्म की है, कोलिशन बनाई है। किस लिए? टू पुट प्रेयर बैक इन टू स्कूल्स, ताकि स्कूलों में जो ये नमाज है ये वापस लाई जा सके। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉलिटिशियंस के ग्रुप ने कोलिशन फॉर्म किया है, जो हमारी एक शर्त पूरी होगी। अब किस मकसद के लिए किया है? ताकि प्रेयर को स्कूलों में वापस लाया जा सके, इस मकसद के लिए किया है। और मे भी जब उनका ये मकसद पूरा हो जाए तो उनकी बाद में कोलिशन ना रहे। तो यानी एक ख़ास वक्त के लिए भी उन्होंने ये कोलिशन कायम किया है। तो एग्जाम्पल नंबर टू, आफ्टर बींग इंडिविजुअली अटैक्ड बाई अ ह्यूज ट्राइब, के वो जो छोटे छोटे कबीले हैं उस पे बड़े कबीले बार बार जो अटैक कर रहे हैं, उस वजह से द स्मॉलर ट्राइब्स फॉर्म्ड अ कोलिशन, के जो छोटे कबीले हैं उन्होंने एक कोलिशन कायम कर लिया है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है टू डिफीट देयर शेयर्ड एनिमी, ताकि वो जो उनके अपना दुश्मन है, उनका एक शेयर्ड एनिमी है, मुश्तरक दुश्मन है, उसको हरा सकें। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ, द फार्मर्स कोलिशन इज़ एन एसोसिएशन, कि वो जो एक फार्मर्स की जो इतिहाद है, कोलिशन है, ग्रुप है, वो एक एसोसिएशन है फार्मर्स की, हु वर्क टुगेदर टू सेट मिनिमम परचेज प्राइसेस अक्रॉस द नेशन, जो के साथ मिलके काम करते हैं किस चीज़ पे, ताकि जो चीज़ों की प्राइसेस है उसे कम से कम नीचे लाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कोलिशन के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके मीनिंग और आसान एग्जांपल्स भी, जिससे हमें इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। तो दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वोकैबलरी की वीडियोस के लिए और जनरल नॉलेज की वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजिट करते रहिएगा। हमारे चैनल पर वोकैबलरी के रिलेटेड जो आपको मेन बेनिफिट होगा वो ये है कि आपको एक ही वीडियो में मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आसान एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जो कि आपको उस वर्ड का मीनिंग समझने में यूज़फुल साबित होंगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।